गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर बीना फुलारा। हम FES 10 में कुछ आपको लेक्चर हम कर रहे थे, बात कर रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपके लाइफ अर्थ में जो लिविंग बीइंग्स के लिए जो इम्पोर्टेंट साइकिल्स हैं, साइकिल मतलब कंटिन्यूशन में जो चक्र चलता है उसको हम साइकिल्स कहते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने बताया था आपको कि हमारी तीन तरह की साइकिल्स होती हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एटमॉस्फेरिक साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम इसके फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो थी वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल की। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, देन एटमॉस्फेरिक साइकिल में आते हैं कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल जिसको आप पहले कर चुके हैं। ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन ये आपके एटमॉस्फेरिक साइकिल्स में आते हैं। एंड थर्ड वन इज सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में आपका आता है सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो हम अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल को इसमें कवर करेंगे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल हमने कहा कि बायो का मतलब है लाइफ, जियो का है अर्थ, यानी आपके लिविंग बींग्स अर्थ में रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जिन साइकिल्स पर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, वो हैं आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो आज हमारी जो साइकिल हम बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्यों? एक अगर हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर देखें तो आपके इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है नाइट्रोजन की, यानी 78%। और उसके बाद जो सेकेंड अबंडेंट गैस प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में वो है आपकी ऑक्सीजन। 21% आपकी ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है। अब अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये एटमॉस्फेयर में आपको नेचर ने इटसेल्फ ये प्रोवाइड की है। आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सारे के सारे लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनके जीने के लिए, उनके सस्टेनेबल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो साइकिल है, एज यू सी द फिगर्स, आप देख रहे हैं आप डायग्राम में कि ऑक्सीजन की साइकिल मेनली थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप यानी ग्रीन प्लांट्स, हमने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा था, आपने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी, प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा बेस है। तो ये प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन किस लिए लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। आपने कहा कि हम क्या करते हैं, हम ब्रीद करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये तो आपका सेकेंड स्टेप हुआ। देन ये जो ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और इनहेल करते एक्सहेल करते हैं आपके CO2। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। तो ये जो CO2 रिलीज होती है ये एटमॉस्फेयर में चली गई और इस CO2 को वापस प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी अपने फूड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो जब ये तीसरी चीज़ आपका ऑक्सीजन अब कब रिलीज होती है, एक और चीज़ आपने देखा वहाँ पे सनलाइट आपकी बनी हुई है, सनलाइट जब वाटर और CO2 के साथ, जो ये CO2 रिलीज हुई थी एटमॉस्फेयर में, जब इस CO2 के साथ और वाटर के साथ जब सन रेज रिएक्ट करती हैं तो रिलीज करती हैं एनर्जी एंड ऑक्सीजन। यानी आपने देखा कि सनलाइट से ऑक्सीजन रिलीज हुई, प्लांट्स ने इनटेक की, फिर
कंज्यूमर्स ने, यानी आपने कहा कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स ने, इन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया, इनटेक किया और वापस फिर जब हमने उसको एक्सेल किया यानी ब्रीद आउट किया तो CO2 वापस CO2 जाएगी एटमॉस्फेयर में और ये जो CO2 है जब सनरेज के साथ रिएक्ट करेगी तो फिर से क्या बनाती है, ऑक्सीजन। यानी इस तरह से पूरा का पूरा सर्कल आपका मूव करता है थ्रू द लिथोस्फेयर, थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर, यानी तीनों स्फेयर्स में ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपकी रही ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी अगली साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो नाइट्रोजन, अभी मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा अवेलेबल गैस है। तो इसकी साइकिलिंग की अगर हम बात करें, यानी ये कैसे मूव करती है एटमॉस्फेयर में, तो किस तरह से करती है, मेनली हमारे पास दो टाइप की आपके नाइट्रोजन होती है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरी आपकी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन के थ्रू जो मूव करेगी, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी फूड चेन के थ्रू, फूड चेन में आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम, तो इनके फूड चेन के थ्रू जो भी नाइट्रोजन मूव करेगी उसे कहेंगे, किसी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल का मेनली मतलब क्या होता है कि आपका ये एटमॉस्फेयर से रिलीज होकर वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है, वो जो प्रोसेस है वो है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ओके, वो होती है आपकी साइकिल। यहाँ पर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन कैसे आपके एटमॉस्फेयर से आएगी और कैसे प्लांट्स उसको इनटेक करेंगे, कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे और कैसे वापस फिर वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, तभी उसकी साइकिलिंग कंप्लीट होगी। तो सेकेंड आपका था इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है वो आपके ये हमारे सॉइल में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ये इस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, ये प्रोसेस हम अभी बात करेंगे, ठीक है। देन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट इसको डायरेक्टली लेना, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बहुत इजी प्रोसेस इसमें नहीं है। सो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की साइकिलिंग की, तो नाइट्रोजन की साइकिल पूरे 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड आपका होता है नाइट्रिफिकेशन, जैसे इनके नाम है वैसे इनका मतलब मैं समझाती हूँ अभी। देन थर्ड इज एसिमिलेशन एंड द फोर्थ इज अमोनिफिकेशन एंड द फिफ्थ वन इज डीनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होगी और डीनाइट्रिफिकेशन पे खत्म होगी, ठीक है। सो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करूँ, यानी नाइट्रोजन से अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन से अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा ये मेनली, अब आपका जो बायोप्रोडक्ट बन रहा है वो अमोनिया बन रही है, लेकिन कैसे बनेगी, यहाँ पर ये तीन तरह से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूँ तो आप फिगर में देख रहे होंगे थंडरस्टॉर्म्स दिख रहे हैं। सो थंडरस्टॉर्म्स जब होते हैं, जब बिजली कड़कती है, आपने सुना है जब बिजली कड़कती है तो उस वक्त क्या होता है, ये जो थंडरस्टॉर्म आपने कहा, इसमें आपके जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होता है उसमें, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ ये लाइटनिंग, यानी ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं या लाइटनिंग होती है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिक्सअप होकर के अमोनिया फॉर्म करते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करूँ, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका निकल रहा है वहाँ पर क्या है आपका, उसमें आपने कहा इंडस्ट्रियल वेस्ट में नाइट्रोजन के अपने बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन से मेल करके तब ये अमोनिया फॉर्म करेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये आपका राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये ब्रेक डाउन करता है इसमें, यहाँ पर राइजोबियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। देन ये तो था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है अपने अमोनिया में, ठीक है। देन सेकेंड वन इज नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन एक्चुअल में क्या है, नाइट्रिफिकेशन में यानी नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया का नाम है, ये नाइट्रोसोमोनास ये क्या करता है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो अमोनिया होती है वो एक टॉक्सिक गैस है,
ठीक है, अमोनिया टॉक्सिक है नेचर में, इसीलिए अब ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ से बनेंगे नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, यानी नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बनते हैं। देन आता है एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन एक्चुअल में क्या है, एसिमिलेशन का मतलब होता है प्लांट और एनिमल। अब ये हमने कहा कि नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गए, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉइल में मिक्सअप होंगे तो प्लांट उनको इनटेक करेंगे। अब कैसे इनटेक करेंगे, अब कैसे, आपने कहा कैसे ये सॉइल में जाएंगे, जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट होंगे ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व होंगे और सॉइल में वॉश आउट होंगे। जब प्लांट उसमें रहें तो प्लांट क्या करेंगे, नेचुरली जब वो वाटर अपटेक करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन आपके मूव करेगी, ठीक है। और ये जब प्लांट एंड एनिमल डाई कर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं, और इन ऑर्गेनिक मैटर जो होगा इसमें जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी वो कहाँ चली जाएगी, वापस सॉइल में चला जाएगी, और सॉइल में ये फिर से क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया क्योंकि आप मैंने आपसे कहा कि ये गैसेस फॉर्म में होती है तो ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और फिर से ये आपका सॉरी ये जो प्रोसेस मैंने बताई ये अमोनिफिकेशन थी, मैं बात कर रही थी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या कर, मैं कहा कि प्लांट आपके नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, और ये जो प्लांट ने नाइट्रोजन लिया ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्लांट में जो प्रोटीन या एनिमल में जो प्रोटीन होगा वो उसमें ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा, थ्रू द फूड चेन, यानी इस प्लांट में जिसमें नाइट्रोजन थी उसे जब किसी एनिमल ने खाया तो नेचुरली वो उसमें उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, और उस एनिमल को अगर किसी तीसरे ने यानी कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर से, ऐसे ही साइकिल अपने चलती रहेगी, ठीक है, यानी फूड वेब के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो फूड वेब था यानी जो एनिमल्स में ट्रांसफ़र हुआ था, वो जो अमोनिफिकेशन की बात करती है यानी अमोनिया कैसे बन रही है, ठीक है। यहाँ तो एसिमिलेशन मतलब आपका प्लांट और एनिमल कैसे इनटेक करते हैं, देन अमोनिफिकेशन अमोनिया का फॉर्मेशन। तो ये जो प्लांट एंड एनिमल जब डेड या डिके होंगे तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के साथ जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उससे उसमें मिक्स हो जाएगा और ये अमोनिया फॉर्म करेगा, दिस इज अमोनिफिकेशन। एंड देन लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन, यानी वापस हमने साइकिल शुरू की थी नाइट्रोजन से और वापस मुझे नाइट्रोजन ही चाहिए, तो ये नाइट्रोजन का बनना ये कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, ये जो सॉइल में अमोनिया है ये स्यूडोमोनास या क्लोरिडियम आपके जो वायरस हैं बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, ये इस अमोनिया को ब्रेक करते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके इसको ब्रेक करेंगे, स्यूडोमोनास ब्रेक करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और क्योंकि दोनों ही गैसेस हैं तो ये वापस एटमॉस्फेयर में आपके चली जाती हैं। तो ये जो अनयूजेबल नाइट्रोजन है इसके आपका जो एक्चुअल में जो है, क्योंकि नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर से आ रही है वो अनयूजेबल फॉर्म में होती है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये आपके जो साइकिल है ऐसे चलेगी, यानी स्टार्टिंग आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका डीनाइट्रिफिकेशन, और ये आपकी साइकिल कंटिन्यूशन में ऐसे चलेगी। देन द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस साइकिल। कुछ नहीं कह रहा सर, बस लास्ट ही था ये पर बढ़ नहीं रहा है, इसे क्या हुआ पता नहीं, अभी तक तो ठीक ठाक था, उधर से बढ़ता है तो उधर से बढ़ा दीजिए सर, ये तो बढ़ ही नहीं रहा, नहीं इससे यह रिमोट काम नहीं कर रहा पता नहीं। अब थैंक यू, अब बढ़ गया, थैंक यू आ गया पर ये बस। सो द लास्ट साइकिल इज योर फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस यानी साइकिल का मतलब मैंने भी आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फेयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, एंड द बायोस्फेयर यानी जहाँ पर हम रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी फॉस्फोरस का इन तीनों स्फेयर्स में से जो ट्रैवल है, जो मूवमेंट है, जो साइकिलिंग है, उसको कह रहे हैं आपका फॉस्फोरस साइकिल, ठीक। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँ तो 80% फॉस्फोरस ह्यूमन बींग यानी हमारी बोन्स में, टीथ में प्रेजेंट होती है, और ये जो फॉस्फोरस साइकिल है ये बहुत स्लो वर्किंग साइकिल है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। फॉस्फोरस साइकिल की इम्पॉर्टेंस क्या है, फॉस्फोरस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में,
आरएनए मॉलिक्यूल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने सुना है ये चीज़ें, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। यानी डीएनए, आरएनए, एटीपी, अगर ये टर्म्स ही आप सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए किसी भी ह्यूमन बींग के, किसी भी एनिमल के, किसी भी लिविंग बींग के स्ट्रक्चर में, यानी उसके सेल के ऑर्गेनिज्म आपके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कितनी इंपॉर्टेंस है फॉस्फोरस की। बट ये एक बहुत स्लो मूविंग साइकिल है। फास्फोरस जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर से वो होता है विद द प्रोसेस, यहां पर भी आपके तीन स्टेप चलते हैं। फर्स्ट है आपका वेदरिंग। वेदरिंग अगर मैं कहूं तो आपका जो फास्फोरस प्रेजेंट होती है वो होती है आपके चट्टानों में, यानी अर्थ क्रस्ट में मेनली ये होती है। तो इस अर्थ क्रस्ट से जब ये फास्फोरस वॉश अवे होती है, यानी अपने किसी सॉल्ट के प्योर फॉर्म में नहीं होगी, अपने सॉल्ट के फॉर्म में। अब सॉल्ट के फॉर्म में कैसे, हमने कहा ये आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस के संग रिएक्ट करेगी, यानी ऑक्सीजन से कर सकती है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना सकती है, फॉस्फोरस ऑक्साइड बना सकती है। तो अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होके ये वॉश्ड अवे होती है, यानी वॉश होगी तो कहाँ जाएगी, आपके ग्राउंड में जाएगी। ग्राउंड में जाएगी तो नेचुरली किसके साथ मिक्स होगी, आपके सॉइल में जाएगी। सॉइल में जाएगी तो वाटर में डिजोल्व होगी, तो प्लांट्स को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, यानी एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट एंड एनिमल्स। अब मैंने कहा प्लांट एंड एनिमल कैसे, अब प्लांट ने इनटेक किया विद द प्रोसेस ऑफ, आपने पढ़ा है कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता है। तो आपके सॉइल में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता, और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इसकी स्लो साइकिल होती है तो इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनपीके, सुना होगा ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ऐड किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी साइक्लिंग बहुत ईजी नहीं होती, बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता। देन ये जो सॉइल में आपका प्रेजेंट होगा वो प्लांट ने इनटेक किया, और विद द हेल्प ऑफ द फूड वेब, मैं फूड चेन, फूड वेब की बात मैं पहले कर चुकी हूँ तो इसीलिए मैं वापस बार इसी में आ रही हूँ। तो फूड चेन और फूड हेल्प की, फूड वेब की हेल्प से ये प्लांट से एनिमल्स में जाएगा, यानी आपके जो आपके ट्रॉफिक लेवल है एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करेगा, और अब वापस देखिए ऐसे मूवमेंट तो हो गई, लेकिन ये रिटर्न एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, रिटर्न होने के लिए इकोसिस्टम में कैसे जाएगा, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा, यानी जब ये एनिमल्स या प्लांट्स डाई होंगे, मरेंगे, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जाएगा। तो नेचुरली जब ये सॉइल में रिसाइकलिंग होगी वाटर के साथ, तो ये फिर क्या बनाएगा, आपके सेडिमेंट्स एंड रॉक्स बनाएगा। हम स्टार्ट कर रहे थे साइकिल सेडिमेंट्स एंड रॉक्स से, और वापस हम सेडिमेंट्स में आ गए, यानी सेडिमेंट्स एंड रॉक फॉर्म करेगा, यानी फॉस्फोरस अपने इनिशियल फॉर्म में वापस चले गई, और फिर प्रोसेस ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये सेडिमेंट्स एंड रॉक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको एक सेडिमेंट्री साइकिल, तो दिस साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल। सो थैंक यू सो मच।